इस वीडियो में हम सीखेंगे कि आप कैसे विजुअल स्टूडियो कोड को यूज करके अपने सी और सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। और अगर आपको सीखना है डेटा साइंस, इंजीनियरिंग या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कुछ भी, तब ये चैनल आपके लिए बना है और इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमिंग ऑन। ऑलराइट, सो फर्स्ट स्टेप हमारे ये कि हम लोग को इंस्टॉल करना है विजुअल स्टूडियो कोड। तो हम लोग जाएंगे क्रोम टैब में या फिर क्रोम ब्राउजर में और सर्च करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड। विजुअल स्टूडियो कोड एक बेहतरीन आईडी है जो आप देखोगे यूजली आजकल सारे डेवलपर्स यूज करते हैं। डजेंट मैटर कि आप सी बैकग्राउंड से आते हो, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जो भी। तो ये आईडी आजकल बहुत यूज़ किया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जैसे ही आप code.visualstudio.com पे लैंड करोगे, आपको यहाँ पे बड़ा सा ब्लू बटन दिखेगा, एटलीस्ट अभी मुझे दिख रहा है। आपको क्लिक करना है डाउनलोड फॉर विंडोज़। आई थिंक यहाँ पे कुछ और भी ऑप्शन है मैक, विंडोज़ एंड लिनक्स का। हम डाउनलोड करेंगे अभी विंडोज़ के लिए क्योंकि मैं अभी विंडोज सिस्टम पे हूँ। तो एक बार आपने क्लिक किया ही आपको पेज पर लिख जाएगा थैंक्स फॉर डाउनलोडिंग VS कोड। और यहाँ बॉटम पर आप देख सकते हो डाउनलोडिंग हो गई है स्टार्ट, दैट इज अराउंड 60 MB। फास्ट इंटरनेट डाउनलोड भी हो गया, ठीक है। तो अब ये exe फाइल मेरा डाउनलोड हो गया है, तो इसको मैं करता हूँ क्लिक। ये मुझे कहेगा रन और आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट, क्योंकि मैंने एग्रीमेंट पूरा पढ़ लिया है। एंड देन द लोकेशन, लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसे बाई डिफॉल्ट रहने दूंगा मेरे सी यूजर्स में जाके, तो इसे मैं ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा। तो लेट्स जस्ट क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड ओके, नाम भी इसी रहने दो। क्रिएट डेस्कटॉप आइकन, नो मुझे डेस्कटॉप आइकन नहीं चाहिए। तो बस मैं ऐड टू पाथ, दिस इज इंपॉर्टेंट, तो आप इसे ऐड टू पाथ रहने देना, ठीक है। रिक्वायर शेल स्टार्ट, उसे देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। नेक्स्ट करते हैं, हमने किया इंस्टॉल, परफेक्ट। तो ये भी इंस्टॉल हो रहा है। ऑलराइट, तो अभी विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल हो गया, इट वॉज वेरी क्विक, राइट, बहुत जल्दी से हो गया। अब इसने लिखा है लॉन्च विजुअल स्टूडियो कोड, तो एक बार फिनिश करते हैं और इसको एक बार लॉन्च भी करके देखते हैं। ऑलराइट, सो हमने विजुअल स्टूडियो डाउनलोड भी कर लिया, इंस्टॉल भी कर लिया, ये हमारे पास अपने रिलीज वर्जन बता रहा है। हम अभी इस स्टेप्स को यहीं ख़त्म करेंगे और नेक्स्ट स्टेप में चलेंगे, जहाँ हम लोग को इंस्टॉल करना होगा कुछ और प्लगइन्स और दो तीन अलग से कुछ डेवलपमेंट किट जो हमें हेल्प करेंगे सी और सी प्लस प्लस को सीखने के लिए, और नहीं आई मीन चलाने के लिए। ऑलराइट, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो है हमें इंस्टॉल करना है MinGW। तो MinGW है क्या, हम लोग पहले जाते हैं गूगल कर लेते हैं। मैंने सर्च किया MinGW, जो पहला लिंक आएगा MinGW.org, आपको वहां पे हिट करना है। तो MinGW एक्चुअली है मिनिमलिस्ट डेवलपमेंट एनवायरनमेंट माइक्रोसॉफ्ट विंडोज एप्लीकेशन के लिए, बस इतना ही जानना है, ठीक है। तो हमारे काम की चीज़ ये है कि हमें टॉप पे आना है, क्लिक करना है डाउनलोड्स पे, और हमें डाउनलोड्स के पेज पर जाएगा। अब बहुत सारे वर्जन अवेलेबल है, लेकिन हमारा कंसर्न यहाँ पर होना चाहिए, जो ब्लू बटन है, ये जो विंडोज बना हुआ है, इस पर आप करो क्लिक, तो आपका डाउनलोड स्टार्ट हो जाना चाहिए। यहाँ बॉटम पे आएगा 3, 2, 1, ऑलराइट, हमारा हो गया डाउनलोड, ठीक है। मैंने इस पर किया क्लिक, ये मुझे एक विंडो प्रॉम्प्ट करेगा, मैं कहूँगा रन, ये आएगा, फिर मैं कहूँगा इंस्टॉल। ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि आप इस लोकेशन को याद रखें, यह इंस्टॉल हो रहा है C/MinGW। आप चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, लेकिन मैं इसे यहाँ पे डिफॉल्ट रहने दूंगा और भी क्लिक कर दूंगा कंटिन्यू पे। जैसे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, आप मेक श्योर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो, बिकॉज ये इंटरनेट से डाउनलोड करेगा, ज्यादा टाइम नहीं लेगा। आई होप मैं इस वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूँ और वापस आता हूँ जब ये इंस्टॉल हो जाएगा। ऑलराइट, तो अभी ये सारा आई थिंक डाउनलोड हो गया, मुझे क्लिक करना है कंटिन्यू पे। ये मैंने कंटिन्यू पे क्लिक किया तो ये आ गया, अभी हमारे पास MinGW को इसको मिनिमाइज कर देता हूँ पीछे से, ये मेरे पास आ गया MinGW का इंस्टॉलेशन मैनेजर। अभी भी हमारे सिस्टम में सी और सी प्लस प्लस इंस्टॉल्ड नहीं है, तो हमें करना क्या है, ये जो ऑप्शन यहाँ से दिए हुए हैं, जो ऑप्शन ऑप्शन आता है ये वाला MinGW 32Base 32 Bin, मैं करूँगा इसको क्लिक, वो हो जाएगा मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। फिर मैं सी प्लस प्लस भी साथ में इंस्टॉल कर लेता हूँ, एक बार में दो काम। फिर मैं इसको किया क्लिक, मार्क फॉर इंस्टॉलेशन। एक बार आपने इन दोनों को सिलेक्ट कर लिया, आप और भी बहुत कुछ ऑप्शन है सिलेक्ट कर सकते हो, फोर्ट्रन है यहाँ पे और बाकी कुछ है, मेरे उस पर भी इंटरेस्ट नहीं है। हम जाएंगे अभी इंस्टॉलेशन पे एंड क्लिक किया इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे आएगा अप्लाई चेंजेस। तो जैसे मैं अप्लाई चेंजेस करूंगा, ओके टू प्रोसीड, यस ओके टू प्रोसीड। अभी फिर से डाउनलोड करने लगेगा, थोड़ा टाइम लेगा, एंड मैं वापस आऊंगा जब ये पूरा डाउनलोड हो जाएगा।
तो अभी ये सारे चेंजेस अप्लाई हो गए हैं, मैं करूंगा क्लोज। अभी हमारा सारा काम हो गया है, लेकिन एक फाइनल स्टेप ये बचता है कि हमें इसको अभी कॉन्फ़िगर करना है। तो हम जाएंगे अपने माय कंप्यूटर में, मैंने क्लिक किया दिस पीसी, दिस पीसी में मैं आगे सी ड्राइव में, और यहाँ पे मेरा इंस्टॉल है मिनजी डब्ल्यू, एग्जैक्टली वही लोकेशन जो हम लोगों ने इंस्टॉलेशन के टाइम पे सिलेक्ट किया था। मैं इसको डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो बिन फोल्डर है हमें इसका लोकेशन लेना है। तो मैंने ये बिन को डबल क्लिक करके खोला, एंड ऊपर इससे जो एड्रेस बार होता है इस पे क्लिक किया, एंड मैंने इसको यहाँ से कॉपी कर लिया। अब ये करने के बाद में मुझे करना क्या है, मैं जाऊंगा विंडोज पे और मैं सर्च करूंगा कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल पे आने के बाद यहाँ पे ऑप्शन होगा सिस्टम एंड सिक्योरिटी, उसको क्लिक किया, फिर मैंने सिस्टम पे क्लिक किया, फिर लेफ्ट साइड में आपको ऑप्शन आता है एडवांस सिस्टम सेटिंग्स, उस पर क्लिक करते हैं। मुझे यहाँ पे क्लिक करना है एनवायरमेंट वेरिएबल्स, तो मैंने क्लिक किया। अब यहाँ पे आपको ध्यान से देखना है, आपको ढूंढना है सिस्टम वेरिएबल जिसका नाम है पाथ। इस पाथ पर को क्लिक करो और आप क्लिक करो एडिट। अब यहाँ पे जितने भी पाथ दिए हुए हैं आपको ऐड करना क्या है, अब देखो मेरे पास ऑलरेडी मिनजी डब्ल्यू स्लैश बिन एडेड है, आपको एग्जैक्टली यही ऐड करना है। आपके में मिसिंग होगा तो आप क्या करोगे, इसको मैं ऐसा करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। तो ओके, तो मैंने क्लिक किया न्यू, फिर यहाँ पे मैंने मिनजी डब्ल्यू को कॉपी करके जो पेस्ट किया था एड्रेस उसको किया, और यहाँ पे ओके कर दिया। ये करने के बाद में आपका मिनजी डब्ल्यू पूरा कॉन्फ़िगर हो गया है। जाते हैं हम एक बार अपने कमांड प्रॉम्प्ट में और लिखते हैं gcc --version, एंड देयर यू गो, हमारे पास gcc वर्जन है 9.2.0, और हमने भी सी और सी प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल कर लिया है। ऑलराइट, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप में, जो है हमें अब अपने विजुअल स्टूडियो कोड में कुछ दो तीन है, सिर्फ दो प्लगइन इंस्टॉल करने हैं जो हमें हेल्प करेंगे सी एंड सी प्लस प्लस कोड को रन करने के लिए। तो अभी मैंने विजुअल स्टूडियो कोड खोल लिया है, और आप अपने लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे सोर्स कंट्रोल है, यहाँ पे डिबग है, और आपको क्लिक करना है एक्सटेंशन में। एक्सटेंशन पे क्लिक करोगे मेक श्योर आपका इंटरनेट कनेक्शन एक्टिव है, और मैं यहाँ पे सर्च करूंगा सी एंड सी प्लस प्लस। तो जो पहला एक्सटेंशन आपको मिलेगा यूजली जो माइक्रोसॉफ्ट से होगा उसको क्लिक करते हैं, और ऑप्शन आएगा यहाँ पे इंस्टॉल का, अगर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो ये ऑप्शन नहीं आएगा, ये अभी ग्रीन है तो मैं कर देता हूँ इसे इसे क्लिक, और ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन स्टार्ट। क्विक डाउनलोड स्टार्ट हो गया, नीचे देखो आप इंस्टॉलिंग विजुअल स्टूडियो विंडोज डिबगर, परफेक्ट, तो अभी इंस्टॉल भी हो गया है। ये था हमारा पहला प्लगइन। जो दूसरा प्लगइन हमें साथ में इंस्टॉल करना है वो है कोड रनर। अब कोड रनर क्या है, कोड रनर हमें एक्चुअली हेल्प करता है सी सी प्लस प्लस जावा इन सब कोड को रन करने के लिए, या फिर बस हेल्प करता है हमें, ठीक है। इसे इंस्टॉल करना जरूरी है, हम इसे कर देते हैं इंस्टॉल। और राइट, तो ये भी आई थिंक इंस्टॉल हो गया है। तो फाइनल स्टेप में बढ़ते हैं, जो हमारा फाइनल स्टेप बचता है वो अब ये है कि हमें जाना है फाइल में, नहीं एडिट में, नो सिलेक्शन में, नो हमें जाना है फाइल में, फिर जाएंगे प्रेफरेंसेस, फिर जाएंगे हम सेटिंग्स। सेटिंग्स में जाने के बाद में हमें क्लिक करना होगा एक्सटेंशंस पे। एक्सटेंशंस पे क्लिक करके नीचे आ जाते हैं, रन कोड कॉन्फ़िगरेशन, और ढूंढते हैं जहाँ आर मिलेगा हमें। आर एग्जैक्टली, ये जो हमें आर इन टर्म रन इन टर्मिनल, हमें से चेकबॉक्स पे क्लिक कर देना है डन, एंड यू कैन से नीचे लिखा योर चेंजेस आर ऑटोमेटिकली सेव्ड एज यू एडिट। सो अभी आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेट हो गया है सी और सी प्लस प्लस कोड को रन करने के लिए। तो क्विकली हम लोग एक सैम्पल कोड लेते हैं और उसको रन करके देखते हैं कि होगा कैसे। तो मैंने एक फोल्डर बना लिया है डेस्कटॉप पे, जिसका नाम मैंने रखा है सी लैंग्वेज, आई मीन इसमें मैं अपने सारे जो ट्यूटोरियल्स आने वाले इसमें मैं ऐड करूंगा। इसको मैंने डबल क्लिक करके खोला, और जो एड्रेस बार में मेरा एड्रेस है मैं इस पे यहाँ क्लिक करूंगा, पूरा डिलीट किया और लिखा मैंने सी एम डी। सी एम डी के बाद में ये मुझे उस पाथ में मेरा कमांड प्रॉम्प्ट खोल देगा, और मैं यहाँ लिख दूंगा कोड स्पेस डॉट, एंड प्रेस किया एंटर। एंटर करने के बाद में ये जो मेरा फोल्डर, अगर आप देखोगे जो मेरे पास विजुअल स्टूडियो कोड अभी खुला है, यहाँ पे जो देखो फोल्डर है ये सी लैंग्वेज का फोल्डर है, और ये एग्जैक्टली वही फोल्डर है जो हमारे डेस्कटॉप में था। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक न्यू फाइल बनाते हैं, इसका नाम रखते हैं हेलो वर्ल्ड डॉट सी। इसको मैंने डॉट सी की ये एक्सटेंशन होता है, इसको मैंने एंटर किया, अभी हमारी फाइल खुल गई है, और मैं एक सैम्पल कोड यहाँ पे अभी चलो सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो ये अगर आपको कोड समझ नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, ये ट्यूटोरियल सिर्फ इसलिए कि आप अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर कैसे कर सकते हो। तो इस प्रोग्राम को रन करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप
राइट क्लिक करके रन कोड कर सकते हो, या फिर टॉप में आपको यहाँ पे एक प्ले बटन दिखता है, तो चलो मैं यहाँ से प्ले बटन पे क्लिक करता हूँ, ये टर्मिनल पे रन हुआ एंड मेरे पास आउटपुट आया 5। एक्चुअली आउटपुट ये आना चाहिए, प्रिंट क्या कर रहा है नंबर दैट इज 5, तो मेरे पास आउटपुट आ गया 5। इतना ही था सी सी प्लस प्लस को आप अपने सिस्टम में विजुअल स्टूडियो में कैसे इंस्टॉल कर सकते हो। ऑलराइट, तो हम इस तरीके से इंस्टॉल करते हैं विजुअल स्टूडियो, मिनजी डब्ल्यू एंड कुछ दो तीन प्लगइन्स यूज करके अपना पूरा सेटअप फॉर सी एंड सी प्लस प्लस। आगे वाले वीडियोस में हम ये देखेंगे कि एक पूरी सीरीज एक घंटे में कि आप कैसे सी लैंग्वेज को विद इन विजुअल स्टूडियो कोड सीख सकते हो।